शारजा जिले के झिलमिल एवं फ्रेंड्स कॉलोनी CETP सोसाइटी द्वारा झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा का स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस दौरान हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पानी की भारी किल्लत हो रही है। दिल्ली सरकार जल मंत्री आतिशी हरियाणा पर पानी कम देने का आरोप लगा रही है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा से पानी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। आतिशी का आरोप है कि हरियाणा दिल्ली को 1,000 मिलियन गैलन कम पानी दे रहा है, जिसके कारण दिल्ली के करीब 28 लाख लोगों को कम पानी मिल रहा है। मैं अपने घर में आया हूँ, मेरे बड़े छोटे भाइयों ने यहाँ पर आज मुझे बुलाया, तो उन्होंने उनका प्रेम है, उनका आशीर्वाद है और इसी कारण से मैं उनसे मिलने के लिए आया। जिस तरह से आपने मंच से आज व्यापारियों के लिए बहुत सारी बातों का जिक्र किया है कि सरकार में किस तरह से आप दिल्ली के व्यापारियों को मदद मिलने वाली केंद्र से, देखिए जो इश्यूज केंद्र से रिलेटेड हैं उन सब इश्यूज को हम लेकर के जो भी विभाग होगा उनके बीच में जाएंगे। जो भी हमने पहले भी दिल्ली के व्यापारियों के लिए बहुत कुछ किया है केंद्र की सरकार ने, आगे भी जो कुछ भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी उनसे डिस्कस करके समझ के उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। दिल्ली में जो सरकार है उनका आरोप है कि दिल्ली को पीने का पानी जो है वो हरियाणा की वजह से नहीं पहुंच पा रहा है, और अब तो मंत्री जो है अनशन पर बैठी है। देखो दिल्ली की जो राज्य की सरकार है, ये केजरीवाल साहब वाली जो सरकार है, ये ड्रामेबाज झूठे और भ्रष्टाचारी लोगों की सरकार है। सारी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, इन्होंने कहा है कि हम फ्री पानी और आधे दाम पे बिजली देंगे। कौन देगा? वही तो देगा ना, जिसके हाथ में होगा, जिस सरकार का काम होगा पानी देने का काम। अगर ये पानी भी नहीं दे सकते तो ये सरकार क्या चला रहे हैं? जल बोर्ड इनके अधीन है, जल बोर्ड के CA इनके लोग हैं, जल मंत्री आतिशी हैं, इनसे काम संभलता नहीं है, इनको काम करना आता नहीं है, इन्होंने कोई एक्शन प्लान तैयार किया क्या? अभी 18 जून की मीटिंग में आतिशी ने ऑन रिकॉर्ड है ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये कहा है कि दिल्ली में जितना पानी पीने को चाहिए उतना पानी दिल्ली में उपलब्ध है। ये जो पीने का पानी दिल्ली के लोगों को नहीं मिल रहा, दिल्ली की जनता जो प्यासी है, उसका एक बड़ा कारण इन लोगों का नॉन प्लानिंग है, इनको काम करना नहीं आता। आज अगर मकान बनाना है तो उसकी नींव खोदनी पड़ती है। अगर कोई दिल्ली के अंदर पानी की समस्या आती है तो आपको पता है ना, तो आप उसको जून के पहली जून को देखना शुरू करेंगे क्या? वो पहली दिसंबर को देखने वाली होती है। उसके लिए एक्शन प्लान बनाना है। उसके लिए क्या आप पहली दिसंबर में जा कर के हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिले कि आप हमें ए पानी देते हो, वो हमें ए नहीं चाहिए, A+2+3+4 चाहिए, आपने डिमांड करी क्या? इन लोगों ने कुछ नहीं किया। और जितना पानी लीगली दिल्ली को हरियाणा को देना चाहिए उससे फालतू पानी हरियाणा देता है, उत्तर प्रदेश देता है। इन लोगों के पास जो भ्रष्टाचार इनके लोगों ने किया है, आम आदमी पार्टी के अंदर जो नेता हैं उनके भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली की जनता प्यासी है। टैंकर माफिया के साथ इनका नेक्सस, आम आदमी पार्टी के नेताओं का नेक्सस होने के कारण दिल्ली की जनता प्यासी है। जो बड़ी बड़ी पाइपें आप देखते हैं पानी के जल संयंत्र से निकलती हैं, उसके अंदर जो लीकेज है वो डेलिब्रेट लीकेज है, षड्यंत्र करके लीकेज है, वो आम आदमी पार्टी के नेताओं का नेक्सस है। उस लीकेज से पानी टैंकरों में भरा जाता है मुफ्त में, और दिल्ली की जनता को हजारों लाखों रुपये में वो टैंकर बिकता है जाकर के। तो ये इनके भ्रष्टाचार, नॉन प्लानिंग, नॉन एग्जीक्यूशन के कारण है। अब ये अनशन पे बैठी हैं। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से उनको ये निवेदन करना चाहता हूँ, फालतू का ड्रामा बंद कर दें। आप भ्रष्टाचारी आपके नेता हैं, ये दिल्ली की जनता को अच्छे से समझ चुकी है और उन्होंने इस बार के चुनाव में भी अच्छी तरह से उन्हें बताया है। तो ये अनशन भी एक ड्रामा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।